कर अभी कर। हाँ तो ठीक है ना, मैं कौन सा डरती हूँ। क्या करेगी तू? मैं डांस करके दिखाऊं? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। वाह वाह वाह, सुंदरी म्यूजिक। अरे देखो, ऐसा है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, तो एक्चुअली हम लोगों को सजा माफ होनी चाहिए। फर्म तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ। जब आई ने किया है तो तुम्हें करना होगा, और तुम्हारी सजा ये है कि तुम अपनी इस प्यारी सी बीवी की तारीफ में कुछ कहो। हम भी सुनते हैं, करो करो। तारीफ तो शब्दों में की जाती है, लेकिन इस दुनिया में इतने शब्द ही नहीं है जो मेरी अर्चना की सच्चाई और अच्छाई को बयां कर सके। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे अर्चना जैसी जीवन साथी मिली। अर्चना की वजह से मेरा सब कुछ है, मेरा परिवार, मेरा वजूद, सब कुछ तुम्ही से है अर्चना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि हर जन्म में मानव को अर्चना ही मिले। अरे वाओ, चलिए आप एक काम कीजिए, हमें डांस करके दिखा दीजिए। डांस नहीं, नहीं डांस वगैरह मैं नहीं, डांस नहीं तो हाँ माउथ ऑर्गन, माउथ ऑर्गन बजवाते हैं इनसे, माउथ ऑर्गन देना। आप माउथ ऑर्गन बजाइए और मेरी बाबी डॉल के लिए एक अच्छी सी ट्यून सुनाइए। सुंदरी म्यूजिक। नहीं, क्या मेरी सजा मैं तय करूंगा। अच्छा चलो दिया। ओके। तो आप लोगों को मालूम ही है कि दुनिया में दो तरीके के मर्द होते हैं। एक जो होते हैं वो सयाने होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो शादीशुदा होते हैं। और उसमें भी दो तरीके हैं, एक जिसे अर्चना मिलती है और वो मानव बन जाता है, और जिसे सविता जैसी औरत मिल जाती है वो दामोदर बनता है। मेरी बुराई करते हो ना? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जिस तरह मानव ने अर्चना की तारीफ की उसी तरह मैं तेरी तारीफ कर रहा था, बस तरीका थोड़ा अलग था। बात क्या करेगी?
चल ठीक है, तू एक गाना गा दे। ओके, तो मैं गाना गा लेती। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, हर औरत की जिंदगी में माँ बनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर औरत की जिंदगी में उसके बच्चे बहुत खास जगह रखते हैं। इस मामले में मैं तो बहुत ज्यादा नसीब वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास सच्चू है, तेजू है, ओवी है, सोहम है और पूर्वी है। पूर्वी का मेरी जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर बहुत दूर चले गए थे तो इस परी ने मेरा साथ दिया। जब ओवी और तेजू और सच्चू सब लोग मुझसे बहुत दूर चले गए थे, तब ये मेरी जिंदगी में इसने मेरे मां बनने के एहसास को पूरा किया। मुझे अपना परिवार लौटा, इतना प्यार दिया कि मैं बता ही नहीं सकती। ये हमेशा तेरा एहसान रहेगा मुझ पर पूरा, हमेशा। और हम दोनों के इस रिश्ते से ये बात साबित हुई है कि शायद प्यार का रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं बड़ा, कहीं बड़ा। और मैं अपने सारे बच्चों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। ओवी, तू ये क्या कर रही है? ये सामान क्यों मांग रही? तू कहाँ जा रही? मुझे बता तो सही। ओवी, क्या हुआ है? बता। आई, मुझे पूर्वी के साथ इस घर में नहीं रहना। लेकिन हुआ क्या है? अब तक तो सब सही था, सब चीजें सही से चल रही थी, तो अचानक से क्या हुआ तुझे ये? आई, तू आज डिसाइड कर ही ले, तेरे लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं या पूर्वी? तू ये क्या कह रही? तुझे समझ में आ रहा है? ओवी या पूर्वी, क्या हो गया तुझे? आई, मैं या पूर्वी? ओवी और पूर्वी दोनों। आई प्लीज, ये डिप्लोमेटिक आंसर्स देना बंद कर अब। मेरे ये डिप्लोमेटिक आंसर्स नहीं है। एक माँ अपने बच्चों में कभी डिफरेंस नहीं कर सकती। जितना प्यार मैं तुझसे करती हूँ उतना ही प्यार मैं पूर्वी से करती हूँ। आई आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब मैं तुझसे मिलने आई ना, तू जितनी खुश थी उससे कई ज्यादा खुश तू तब थी जब पूर्वी तुझसे मिलने आई। पर आई, अगर सबको मेरी इतनी चिंता है तो किसी को क्यों नहीं लगा कि जब अर्जुन और पूर्वी आमने सामने होंगे तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जब वो इतने महीने हमसे दूर थी तो अब क्यों हमारे साथ आकर रह रही है? मुझे नहीं चाहिए कि वो हमारे साथ रहे। एक सेकंड, तू यही चाहती है ना, पूर्वी यहां से चली जाए? ठीक है, वो यहां से जाए, मैं उसे खुद यहां से जाने के लिए कहूंगी। थैंक यू। आई
लेकिन मेरी एक शर्त। शर्त? ओहे भी आई यहाँ पर नहीं, आई तीर्थ यात्रा के लिए गई, और यहाँ कोई नहीं जो पूर्वी का ख्याल रखेगा। जब तक आई नहीं आ जाती तब तक मैं पूर्वी को यहीं रहूंगी। ठीक है, तू प्रॉमिस कर कि आज ही के आते ही तू पूर्वी से खुद कहेगी कि वो यहाँ से चली जाए। प्रॉमिस कर। मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं पूर्वी को यहाँ से जाने के लिए कहूँ, लेकिन एक बात कहूँ भी, अर्जुन पे विश्वास कर, किसी और पे विश्वास मत कर, सिर्फ अर्जुन पे विश्वास कर। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इस रिश्ते को कामयाब बनाने की, लेकिन तू अपनी हरकतों से उसे नाकामयाब बना रही। अपने आप को तकलीफ मत दे। थैंक यू, चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। पानी कम नहीं इसमें? अच्छी नहीं बनी क्या? अरे बहुत अच्छी बनी, तूने बनाई है ना, और थोड़ी बहुत कमी थी वो तेरे प्यार ने भर दी। और वैसे भी मुझे तेरे हाथ की चाय पीने की आदत है, पहली बार थोड़ी पी रहा हूँ। आप झूठ बोल रहे हो, आप मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो, मुझे पता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से पक्का प्रॉमिस जैसी चाय आप पीते हैं ना बिल्कुल वैसी बना के दूंगी, एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट टाइम तुझे इस तरह से बहाने बनाने की जरूरत नहीं, जो कुछ पूछना है डायरेक्टली पूछ लिया कर। मतलब सनी के साथ जो मेरी मीटिंग हुई उस बारे में जानना चाहती है ना तू? नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बाबा हूं मैं तेरा? झूठ बोल रही है ना? हाँ। अच्छा लड़का है और काफी इंटेलिजेंट भी है। पता है उसमें सबसे अच्छी बात क्या है? पॉजिटिव। हमेशा याद रखना, ऐसे लोग लाइफ में बहुत कामयाब होते हैं। मुझे और अर्चना दोनों को तेरे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशी इस बात की कि लड़का तुझे खुश रखेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। हां एक बात, ये जो तू लोगों को मेरे बारे में बड़ा चढ़ा कर बोलती है ना, वो बोलना बंद कर। पता है तुझे कितना कुछ बोल रहा था मेरे बारे में? उसे सब कुछ पता है मेरे बारे में, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे प्रिंसिपल्स, एवरीथिंग। ये तारीफ कर रहा था मेरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। लेकिन मैंने उसे आपके बारे में कुछ नहीं बोला, सच्ची। क्या मेरे सामने वो आदमी जो छोटा सा मैकेनिक जिसने एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से शादी, और उस आदमी ने आगे बढ़ने के लिए ना कभी अपने ससुर से पैसे लिए और ना ही किसी रिश्तेदार की मदद ली। मेरे सामने बैठा हुआ आदमी मेरी इंस्पिरेशन है। इसका मतलब उसने सारी इंफॉर्मेशन खुद ही ढूंढ निकाली थी। स्मार्ट बॉय। क्या? नहीं, एक बार फिर से क्या बोला आपने? कुछ नहीं, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी बेटी की शादी उससे होने वाली है जिससे वो प्यार करती है, और मेरा होने वाला दामाद बहुत जिम्मेदार और प्यारा इंसान। नमस्ते विनोद जी। नमस्ते विनोद, इतनी जल्दी आ गए? अच्छा मंजूषा, हम चलते हैं। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हो गए? मंजू तू भी उनके साथ बैठ, उनके साथ बात कर। वैसे तो मंजू ने आप सब लोगों को इनवाइट कर ही दिया होगा, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से आप सब लोगों को फिर से इनवाइट करता हूँ पुण्य के साकर पूड़ा के लिए। आप सब लोग जरूर आइएगा। जी जरूर आएंगे। चल मंजू, तुमसे बात। बैठो ना। अरे मंजू, तेरे पति इतने कैसे बदल गए? हमारे यहाँ आने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है? हाँ आपत्ति क्यों होगी, फ्रेंड्स हो तुम लोग। अब तुम लोग चाय वगैरह लो, मैं अभी और स्नैक्स लेकर आती हूँ। अब
विनोद। अरे मंजू अच्छा हुआ तुम आ गई, ये लो मिठाई और अपनी सहेलियों को भी खिला दो। मिठाई? लेकिन ये किस खुशी में? मेरा मतलब है मिठाई क्यों लेकर आए हो तुम? अरे मंजू बात ही इतनी खुशी की है, मुझे नई नौकरी मिल गई है। अरे वाह बाबा, दैट्स ग्रेट न्यूज़, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन मुझे बताओ सैलरी कितनी मिल रही तुम्हें? अरे मंजू जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना उसे डबल सैलरी मिल रही है। डबल सैलरी? ऐसी कौन सी कंपनी है बाबा? अरे पुन्नी ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी? इसका मतलब है तुम्हारी नौकरी के लिए जरूर मानो ने कहीं सिफारिश की होगी। अब फिर उसके एहसानों तले जीना पड़ेगा। नहीं मंजू, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं है, उन्होंने मुझे खुद बुलाया। खुद बुलाया? बाबा ये कंपनी का नाम है क्या? अब अरे छोड़ ना, नाम वाम में क्या रखा है। मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कम से कम मानव का एहसान तो अब हमारे ऊपर नहीं रहेगा कोई। हाँ आई, लेकिन मैं भी तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती हूँ ना, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर बाबा मुझे नाम बता देंगे तो शायद मैं बता पाऊँ कि ये कंपनी ट्रस्टवर्दी है नहीं है। बताइए ना बाबा क्या नाम है? पुण्य उस कंपनी का नाम है बीटी इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन लाइन में हाल ही में मैंने वेंचर किया है और ये ऑफिस जो तुम देख रही हो वो भी कुछ दिन पहले ही खरीद। और कमाल की बात तो ये है कि इंटरव्यू के 5 मिनट के बाद ही उन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया। लेकिन बाबा मैं कह रही थी कि अरे अब ये लेकिन वेकिन सब छोड़, कितने क्वेश्चन पूछ रहे तू अपने बाबा से? अरे लक्ष्मी खुद चलकर हमारे घर पर आ रही है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए कि शक करना चाहिए उस पर? तू भी ना पुन्नी। विनोद मैं अभी आती हूँ अपने फ्रेंड्स को ये मिठाई खिला के। भाई जो मैं देख रही हूँ समझ रही हूँ वो तू नहीं समझ रही, जरूर इसके पीछे मिस्टर मित्तल का ही हाथ है। लेकिन उन्होंने बाबा को बुलाकर नौकरी दी क्यों? आखिर क्या करना चाहते हैं? कहीं मैं फिर से किसी मुसीबत में? कौन? मत उठाई सोम दादा। पर बेटा एक सेकंड। पुनीर बाबा मोदी के फोन को अनदेखा मत कीजिए, बात कीजिए ना उनसे। जो मैंने दवाई मंगाई थी वो आ गई, चेक करता हूं। अरे पूर्वी यहां क्या कर रही है? अच्छा जीजू से बात? वो बात नहीं हो पाई थी जो फोन नहीं लगा। अच्छा पूर्वी एक बात पूछूं, आई मीन एक बात करने थी। बोला पूर्वी तू ये मत समझना कि मैं बहुत सेल्फिश हो रही हूँ या तेरे बारे में नहीं सोच रही हूँ। देख तू ओवी को जानती है, उसका माइंड कितना इमेच्योर है, आई मीन हाउ शी बिहेव्स एंड ऑल। उसने ऐसे ही प्रेशर में आके बोल दिया कि डॉक्टर ओनर से ट्रीटमेंट नहीं करवाएगी। लेकिन तेरे हस्बैंड डॉक्टर ओनर तो काफ़ी सुलझे हुए इंसान है एंड ही वेरी मैच्योर एंड आई एम श्योर उन्होंने ऐसे काफ़ी केसेस हैंडल किए होंगे, तो उन्होंने ओवी को ट्रीट करने से मना क्यों कर दिया? अगर वो थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले। अच्छा तो बिल्कुल चिंता मत कर, अभी वो थोड़े से नाराज़ है लेकिन वो जल्दी मान जाएंगे और एक बार वो मान गए तो फिर वो ओवी को ज़रूर ट्रीट करेंगे। थैंक्स हाँ। वैसे पूर्वी एक बात माननी पड़ेगी, तुझे डॉक्टर ओनर पे आई मीन अपने हस्बैंड पे पूरा कॉन्फिडेंस है। हाँ वैसे ये कॉन्फिडेंस और जो विश्वास होता है ना यही रिश्ता बनाता है। दिस शोज तुम्हारा रिश्ता वाकई में बहुत स्ट्रांग होगा। क्यों क्या बताऊँ तुझे तेजू, काश मैं तुझे बता पाती कि मेरा और ओनर का रिश्ता प्यार के आधार पर नहीं बल्कि दोस्ती के आधार पर रहेगा। और मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं।
बल्कि इसलिए है क्योंकि वो अपने पेशेंट्स को ना नहीं बोल सकते। मैं जानती हूँ ओवी की सीरियस कंडीशन देखकर उनका दिल पिघलेगा और वो उसे जरूर ट्रीट करेंगे।